प्राक सारा साहित्य र मौखिक साहित्य बा लोक साहित्य को आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करी छे जो जरे कि लोकगीत लोकगीत रे सामाजिक चित्र लोकगीत रे रस चेतना लोक कहानी लोक नाटक लोक साहित्य रे प्रभाव ए सब विषय रे आमे परम पूर्ववर्ती क्लास रे आलोचना कर छे प्रथमान अभिलेख साहित्य विषय रे भल भाबर बुझिबा शिलालेख ओ ताम्रलेख उभय को अभिलेख कहन पूर्वे राजा माने समानकर राजकीय घोषणा दान शासन पत्र शिलारे खोदन कराउथिले बा ताम्र फलक रे लिखन कराउथिले ताव पत्र रे मध्ये लिखन कार्य हेउथिला मात्र ताव पत्र अल्प काल स्थायी हेतु शिलारे बा ताम्र पटरे लेखा मान प्रस्तुत करा जाउथिला एही अभिलेख साहित्य रे ओडिसा देश समृद्ध ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रे अशोकमल धौली ओ जौगड़ शिलालेख एवं ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे कलिंग सम्राट खारवेलंकर खंडगिरी गुंफा रे थिबा शिलालेखर भाषा सोमवंशी राजा अनंत वर्मा 1051 ख्रीष्टाब्द रे खोदन कराइथिबा उर्जाम शिलालेख को ओडिया भाषा रा निदर्शन थिबा प्रथम शिलालेख बोली केई के गवेषक माने मत देथिले हे ताहार पूर्ववर्ती बहु अभिलेख रे ओडिया भाषा रा संधान मिलिथे ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी ठारु आरंभ करी ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दी पर्यंत खोदित शिलालेख ओ प्रदत्त ताम्र शासन मानकरे किछि किछि ओडिया शब्दर संधान मिले किंतु सबुठारु अधिक ओडिया शब्दर उपस्थिति लक्ष्य करा जाय शैलववंशी राजा द्वितीय धर्मराजक राणी कल्याणी देवीक ताम्र शासन जहार समय 695 ख्रीष्टाब्दरु 725 ख्रीष्टाब्द मध्यरे एथिरे जैनगुरु नासीचंद्रक शिष्य प्रबोधचंद्रक गोटे ग्रामदान करा जाइथिबार उल्लेख रहिछि एहा तत्कालीन ओडिया भाषारे लिखित होइथिबा मत प्रकाश करन्ति गवेषकगण एथिरे जणा जाय जे ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दीर शेष भागरे विकासर शीर्ष छुइथिला ओडिया भाषा समयक्रमे अभिलेखा अभिलेखर भाषा मार्जित रूप धारण करिछि जहाँ ओडिया भाषार क्रम विकास प्रमाण दिए यहीपरी भाव आम अभिलेख साहित्य परिपृष्ट हो तेरे आम परवर्त क्लास रे लिखित साहित्य रे चर्चा साहित्य विषय आलोचना करिया आशा कर यह भल भाव बुझीपारी थी और यह परीक्षा उपयोगी हो पार तेरे बर्तमान रही रोचे पर क्लास देखा।